फाइटर पूरी मुस्तैदी से अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं और इन फाइटर का उत्साह वर्धन करने के लिए कहीं फूलों की बरसात की जा रही है तो कहीं थैंक यू कार्ड देकर उनका हौसला अफजाई किया जा रहा है। कोरोना फाइटर के साथ हर मुश्किल में कंधे से कंधा मिलाकर पूरा देश खड़ा है। कोरोना वॉरियर्स बड़ी मुस्तैदी से देश के साथ साथ कान्हा की नगरी में अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। जिले में जहां भी देखो वहां पुलिस के जवान बैरिकेटिंग लगाकर सघन चेकिंग करते हुए दिखाई दे जाएंगे और लॉकडाउन में लोगों से घर से बाहर ना निकलने की अपील करते हुए भी आपको नजर आएंगे। यह जवान पूरी तरह से मुस्तैद हैं ताकि हम लोग सुरक्षित रह सके। इनकी मुस्तैदी को देखते हुए पुलिस प्रशासन के जवानों का उत्साह वर्धन करने के लिए अधिकारी और जवानों पर कहीं पुष्प वर्षा की गई तो कहीं उन्हें थैंक यू कार्ड और मास्क देकर धन्यवाद बोला गया। थाना गोवर्धन में गश्त के दौरान अधिकारियों और पुलिस के जवानों पर पुष्प वर्षा की गई तो वहीं गोविंद नगर क्षेत्र के चौक बाजार में भी पुलिस अधिकारियों को फूलमाला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। इसके साथ ही SBI चौराहे पर, मसानी चौराहे पर ड्यूटी पर तैनात पुलिस के जवानों और अधिकारियों को समाज सेवियों ने थैंक यू कार्ड और मास्क देकर उनका धन्यवाद किया। वहीं समाज सेविका शिप्रा राठी ने बताया कि हम लोगों ने कोरोना वॉरियर्स को आज से जो भी हर परिस्थिति में अपने कर्तव्य को निभा रही हैं और हम लोग अपने घरों में चैन से बैठे हुए हैं, हमने आज उनका धन्यवाद किया है मास्क और थैंक यू कार्ड देकर। मथुरा से संवाददाता जाहिद सैयद की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? शिप्रा राठी। बताइए आपने किसका सम्मान किया? आज हमने वो पुलिस बैरियर्स का सम्मान किया जिन्होंने आज हम लोगों के लिए कोरोना जैसे संकट में वो लोग हमारे साथ खड़े हैं, दिन रात मेहनत करके ड्यूटीज दे रहे हैं, अपने परिवार को छोड़ रखा है। जहाँ हर आदमी डरा हुआ है कि कहीं मुझे ये संक्रमण ना हो जाए, ऐसे में वो लोग सब सारी चिंताओं को छोड़ के केवल राष्ट्र के लिए समर्पित होकर ये काम कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए छोटा सा सम्मान हम तरफ सबकी तरफ से है। और हमने उनको आज एक कार्ड दिया है जिसमें हमने फ्लावर्स बना के उन्हें दिए हैं कि आपकी वजह से आज ये देश के फूल खिल पा रहे हैं, और साथ में ही हाथ से बने हुए कपड़े के मास्क दिए हैं। ये कॉटन मास्क है जो क्योंकि वो लोग दिन भर रहते हैं ड्यूटीज़ पे तो उनके लिए कुछ कंफर्टेबल होना चाहिए, तो हमने ये मास्क भी हाथ से बनाए जो विदाउट इलास्टिक प्योर कॉटन से बनाए हैं जिसमें वो पूरा दिन गर्मी हो कोई भी मौसम हो उसे पहन पाए। तो हम लोगों ने अपनी तरफ से एक सम्मान देने की छोटी सी कोशिश की है इन पहरियों को जो हमारे कर्म योद्धा हैं और दिन रात मेहनत कर रहे हैं देश के लिए। सर, आज कोरोना वायरस को लेकर गोवर्धन वासियों ने आज आपका स्वागत सम्मान किया है, उसके बारे में क्या कहेंगे? हम लोग रोज की तरह अपने पैदल गश्त पर निकले थे क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, उसी को सुनिश्चित करने के लिए SDM गोवर्धन, मैं CO गोवर्धन और इंस्पेक्टर गोवर्धन, मैं फोर्स के कस्बा गोवर्धन में घूम रहे थे कि कुछ लोगों ने फूल बरसाए और उनका ये कहना था कि हम उत्तर प्रदेश सरकार के प्रयासों से और उत्तर प्रदेश शासन और पुलिस प्रशासन बहुत अच्छा कार्य कर रही है लॉकडाउन करके, और बहुत अच्छे से लॉकडाउन चल रहा है, पब्लिक का भी बहुत इसके अंदर सपोर्ट प्राप्त हो रहा है हम लोगों को। क्या अपील करना चाहेंगे आप? हम चाहेंगे कि इसी तरीके से लॉकडाउन पब्लिक जो अपने घरों में रह के संदेश दे रही है कि लॉकडाउन सफल जा रहा है, वो इसी प्रकार सरकार की मंशा को पूरी करता है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.